हेलो दोस्तों, वेलकम टू एसके क्लासेस। एसके क्लासेस में आप लोग का स्वागत है। दोस्तों यूपी ट्रिपल एससी की तरफ से एक वैकेंसी आई है, जिसके बारे में मैं आपको एक महीना पहले भी बताया था, ठीक है। क्योंकि आपको पता है कि मैं हमेशा ऑथेंटिक न्यूज़ बताता हूँ, ठीक है। ऑफिशियल साइट से जाके हमेशा ऑफिशियल न्यूज़ ही आपको देता हूँ दोस्तों, ठीक है। तो मुख्य सेविका के बारे में मैं पहले भी वीडियो बना चुका था और बताया था कि जो है कि फॉर्म जो है अगस्त में आएगा, और फॉर्म जो है दोस्तों आ गया है, और आज से ही जो है आप फॉर्म अपना अप्लाई कर सकते हैं दोस्तों, ठीक है। तो मैं फिर से आप लोग को बताना चाहूँगा कि इसमें क्या क्या लगेगा, ठीक है, कैसे कैसे आप क्या करेंगे, कैसे अप्लाई करेंगे, सब कुछ सब बातें इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगा दोस्तों, ठीक है। तो आपसे बस यही कहना चाहूँगा दोस्तों कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें, ठीक है, ताकि मुझे एक मोटिवेशन मिले और मैं आप लोग के लिए इसी तरह वीडियो बनाता रहूँ, ठीक। क्योंकि आप जानते हैं कि मैं हमेशा एक ऑथेंटिक न्यूज़ देता हूँ, कोई फेक न्यूज़ कभी भी नहीं देता, ठीक। तो दोस्तों आइए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों, मुख्य सेविका का जो है कि यहाँ पे फॉर्म आ चुका है, ठीक है, और आज से ये फॉर्म जो है अप्लाई होगा दोस्तों। तो इसमें पदों की संख्या क्या है, क्या शैक्षिक अर्हता होनी चाहिए, क्या योग्यता होनी चाहिए आपके पास, सब कुछ इस वीडियो में मैं बताऊंगा, क्या फीस लगेगी, हर चीज़, ठीक है। तो दोस्तों अब मैं वीडियो को स्टार्ट करता हूं। तो आप देख सकते हैं दोस्तों यहां पे लिख रखा सीधे सीधे जो है यहां पे मुख्य सेविका मुख्य परीक्षा, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हैं जो एडवर्टाइजमेंट नंबर जो है 05 है, ठीक। तो यहाँ पे दे रखा सीधे सीधे कि ऑनलाइन आवेदन, यहाँ आप देख सकते हैं लिखा सीधे सीधे ऑनलाइन आवेदन शुल्क जमा करने जो है शुल्क जमा करना प्रारंभ होने की तिथि जो है आज 3/8/2022, ठीक है। तो आज से आप अपना ये फॉर्म भर सकते हैं, और इसमें ऑनलाइन आवेदन शुल्क जमा और आवेदन सबमिट करने की अंतिम तिथि आपकी जो है दोस्तों 24 अगस्त है, ठीक है, 24 अगस्त है आपका। और उसके बाद शुल्क समायोजन एवं आवेदन संशोधन, ठीक है, संशोधित आप कब सब कर सकते हैं दोस्तों, तो 31 अगस्त तक आप जो है संशोधित कर सकते हैं, ठीक। अब उसके बाद दोस्तों यहाँ पे कुछ विशेष कथन है, उसके बारे में हम देख लेते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं लिखा उपयुक्त विज्ञापन के सापेक्ष में आवेदन व शुल्क जमा करने की अंतिम तिथि 24/8/2022 है। इसी तिथि के बाद कोई भी आवेदन शुल्क स्वीकार नहीं किया जाएगा, ठीक है। आवेदन या आवेदन शुल्क जो है कोई स्वीकार नहीं किया जाएगा इस तिथि के बाद। अभ्यर्थी द्वारा अपने आवेदन पत्र का प्रिंटआउट तब तक नहीं निकाल सकते आप जब तक आप फीस जमा नहीं कर देंगे, ठीक है। अभ्यर्थी द्वारा बैंक से शुल्क समायोजन की जो डेट है यहाँ पे 24/8/2022 तक अथवा उसके पश्चात जब विलंब हो जाता है तो 7 दिवस के अंदर जो है 31/8/2022 तक अनिवार्य रूप से करा लिया जाए। इस अवधि से अभ्यर्थी द्वारा अपने आवेदन पत्र में अनुमान्य विवरण को संशोधित भी कर सकते हैं। जैसे आपका नाम गलत हो गया है, कुछ भी गलत हो गया है, तो आप जो है दोस्तों 24 के बाद ही संशोधन जो है अपने फॉर्म में कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपका फॉर्म जैसे आज भर रहे हैं या कल भर रहे हैं, परसों भर रहे हैं आप, ठीक है, अगर आपका फॉर्म में कुछ भी आपका नाम हो गया, विलेज हो गया वगैरह वगैरह, एड्रेस हो गया, कुछ भी गलत हो जाता है, तो आप दोस्तों घबराने की जरूरत नहीं है। आपको 7 दिन का मौका मिलेगा। यहाँ पे लिख रखा सीधे सीधे 7 दिवस, ठीक है। 7 दिवस में जो है मतलब 24 के बाद 31 तक आप संशोधित कर सकते हैं अपना, ठीक है, यानी 24 के बाद ही आप जो है संशोधन कर सकते हैं अपने फॉर्म में, उससे पहले नहीं कर सकते हैं। तो ये तो हो गई दोस्तों शुल्क जमा करने और संशोधन फॉर्म संशोधन की डेट हो गई, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे लिख रखा है दोस्तों, यहाँ पे देख सकते हैं सीधे सीधे लिख रखा है कि उत्तर प्रदेश सेवा चयन आयोग लखनऊ के विज्ञापन संख्या 05 परीक्षा जो है 2022 मुख्य सेविका मुख्य परीक्षा के अंतर्गत बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार उत्तर प्रदेश लखनऊ नियंत्रणाधीन मुख्य सेविका के पदों की संख्या आप देख लीजिए दोस्तों, तो पदों की संख्या काफ़ी है 2693, ठीक है, यानी काफ़ी अच्छी वैकेंसी है। 2693 वैकेंसी कम जो है कि कम नहीं होती है, काफ़ी है। हालांकि आजकल बेरोजगारी इतनी ज़्यादा है कि उस हिसाब से तो कम है, पर फिर भी काफ़ी है, ठीक है, क्योंकि आपको तो एक सीट से मतलब आप अपने अपने सीट के लिए लड़िए। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आप देख लीजिए कितना पोस्ट है, तो 2693 पोस्ट है, इतनी वैकेंसी है, ठीक है। फिर लिख रखा है दोस्तों यहाँ पे मेन यही है, इस वीडियो बनाने का मेन उद्देश्य देख सकते हैं आप, यहाँ पे लिख रखा है जो मुख्य सेविका परीक्षा जो है किसके थ्रू, जो आप जो पेट का पेपर दिए थे दोस्तों ना, आप अगर जो पेट का पेपर दिए हैं वही इस फॉर्म को भर सकते हैं, अन्यथा और कोई दूसरा व्यक्ति जो है इस फॉर्म को नहीं भर सकता जो पेट का पेपर नहीं दिया हो, ठीक है। यहाँ पे लिख रखा है कि पेट के स्कोर के आधार पर ही की जाएगी, मतलब आपका जो शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा वो पेट के स्कोर के आधार पे ही किया जाएगा। इस परीक्षा में प्रतिभाग हेतु केवल वही अभ्यर्थी ऑनलाइन
आवेदन कर सकते हैं जो प्रारंभिक अर्हता परीक्षा 2021 प्रीमली एलिजिबिलिटी टेस्ट मतलब पेट 2021 में सम्मिलित हुए हैं एवं उन्हें आयोग का स्कोर कार्ड वैध संख्यात्मक स्कोर के साथ जारी किया गया है, ठीक है, जिनका तो प्रारंभिक अर्हता परीक्षा 2021 में वास्तविक एब्सोल्यूट स्कोर, ठीक है, अथवा नॉर्मलाइज स्कोर में शून्य से ऊपर, ठीक है, यानी शून्य से अगर आपका एक नंबर भी है तब भी ये फॉर्म में भर सकते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें जो एजुकेशन मांग रखा है ना उसी हिसाब से बच्चे कम होंगे, तो आपके अगर नंबर अगर आपको लग रहा है कि आपके नंबर जो है कि 30, 40, 50 के आसपास है तो आप भर देना इस फॉर्म को, ठीक है। हालांकि 25 रुपया ही जा रहा है आपका, एक नंबर भी होगा तो भी भर देना, क्या पता हेल्थ वर्कर की तरह जीरो नंबर वालों को भी ले लें, जीरो नंबर से ऊपर एक नंबर वालों को भी ले लें, ठीक है। तो हालांकि 25 रुपया से बस आपका तो कुछ नहीं जाएगा, आयोग की कमाई हो जाएगी और कुछ नहीं होगा, ठीक है, समझ गए होंगे आप लोग। हालांकि इनको कम से कम कुछ क्राइटेरिया तो रखनी चाहिए कि जिसके 20 नंबर से ऊपर हो या 30 नंबर से, ये बस कह देते हैं कि जिनके 0 नंबर से ऊपर है, एक नंबर भी है तो वो भी फॉर्म भरे, ठीक है। इससे क्या होता है कि आयोग को 25 रुपया मिल जाता है दोस्तों, ठीक। तो उसके बाद लिखा है परंतु यह कि जब तक आयोग स्तर से जांच के अधीन व अवबंधिक जो है श्रेणियों के अभ्यर्थियों को प्रकरणों में अंतिम निर्णय नहीं लिया जाता तब तक इन श्रेणियों में अभ्यर्थियों को भी आयोग द्वारा जो है आयोजित की जाने वाली विभिन्न मुख्य परीक्षाओं को आवेदन के औपबंधिक रूप से जो है अनुमति इस प्रतिबंध के साथ प्रदान की जाती है कि ऐसे अभ्यर्थी की मुख्य परीक्षा हेतु शॉर्टलिस्टिंग व चयन अग्रेतर कार्रवाई आयोग द्वारा की जा रही जाँच के परिणाम निर्णय के अधीन होगी, ठीक है। मतलब वही है कि आप के एक नंबर से ऊपर है तब भी आप फॉर्म भर देंगे, उसके हिसाब से जितने बच्चे फॉर्म भरेंगे उस हिसाब से ये शॉर्टलिस्ट करेंगे आपको, ठीक है। अब दोस्तों मैं बताता हूँ कि आप ऑनलाइन आवेदन कैसे करेंगे। सबसे पहले दोस्तों आप जाएंगे UP SSC की साइट पे, ठीक है, UP SSC लिख लेंगे, ठीक है, UP SSC.government, ठीक है, .government.in, ठीक है दोस्तों, .in इस पे जाएंगे आप तो सीधे सीधे ये ऊपर ही दिखेगा आपको, इस पे क्लिक करना और अपना फॉर्म जो है भरना स्टार्ट कर देना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं लिखा है सीधे सीधे आवश्यक सूचना क्या है, इस विज्ञापन के अंतर्गत ऑनलाइन आवेदन हेतु जो है प्रणाली जो है लागू है, ठीक है, ऑनलाइन एप्लीकेशन सिस्टम पर अन्य किसी माध्यम से जो है प्रेषित आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा दोस्तों, ठीक है। तो आपको इसी साइट पे जाके अपना फॉर्म भरना पड़ेगा, अन्य किसी माध्यम से ये फॉर्म स्वीकार नहीं किया जाएगा दोस्तों, ठीक। उसके बाद दूसरा यहाँ पे आप देख सकते हैं कि दूसरा पैराग्राफ क्या है, तो यहाँ पे लिख रखा है सीधे सीधे दूसरा पैराग्राफ दोस्तों कि यहाँ पे दूसरा पैराग्राफ ये है, आप यहाँ पे देख सकते हैं लिखा आवेदन की प्रक्रिया, ठीक है, अभ्यर्थियों से अपेक्षा की जाती है कि वह अपने मतलब वह विज्ञापन को सावधानी पूर्वक पढ़ें और भली बात ही समझ लें कि विज्ञापित पद हेतु जो है वांछित अनिवार्य अर्हता शैक्षिक व अन्य अर्हताएं धारित करते हैं तथा निर्धारित वायु सीमा के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। अभ्यर्थी विज्ञापन में उल्लिखित निर्धारित अर्हता एवं शैक्षिक योग्यता साधारण करने पर ही जो है आवेदन पत्र भरने की प्रक्रिया जो है भरने की प्रक्रिया को जो है प्रारंभ करें, ठीक है। तो आप जब उसको खोलेंगे ना दोस्तों वहाँ पे, तो वहाँ पे एडवर्टाइजमेंट इंस्ट्रक्शन होगा, उसे आप खोलना और उसे पढ़ लेना भली बात ही। हालांकि इस वीडियो में मैं आपको बता ही रहा हूँ, ठीक है, वो एज की बात है तो 21 से 40 साल, ठीक है, 40 साल के बाद भी SC ST OBC को यहाँ पे आरक्षण मिल जाता है, मतलब छूट मिल जाती है इसके लिए, एज के लिए, ठीक है। हालांकि 40 साल बहुत होता है, 40 साल तक से ऊपर वाले भी क्या ही भरेंगे फॉर्म, ठीक है। तो लिखा अभ्यर्थी आयोग की वेबसाइट पे UP SSC.government.in के होम पेज पर लाइव एडवर्टाइजमेंट सेगमेंट के अंतर्गत संबंधित विज्ञापन पर क्लिक कर उक्त विज्ञापन को डाउनलोड कर व्यू कर जो है कि आप अभ्यर्थी जो है आवेदन पत्र भरने के लिए जो है समस्त प्रक्रिया एक बार पूर्ण की जा सकती है, ठीक है। आवेदन की प्रक्रिया में अभ्यर्थियों को ऑनलाइन आवेदन भरने से संबंधित दिशा निर्देश दिए जा रहे हैं, अभ्यर्थी जो है आवेदन करने से पूर्व आवेदन की प्रक्रिया को सावधानीपूर्वक पढ़कर भली बातें समझ लें, ठीक है। उसके बाद दोस्तों लिख रखा है कि आवेदन प्रक्रिया संबंधित निर्देश, ठीक है। तो यहाँ पे लिख रखा है दोस्तों प्रारंभिक अर्हता परीक्षा के रजिस्ट्रेशन नंबर के साथ ही जो है अभ्यर्थी का प्रमाणीकरण लॉगिन होगा, मतलब जो आप पेट का एग्जाम दिए थे ना दोस्तों उसका आपको रजिस्ट्रेशन नंबर डालना पड़ेगा जब ये फॉर्म जो है आप जो है खोल मतलब भर पाएंगे, ठीक है। तो लिख रखा है अभ्यर्थी को प्रारंभिक अर्हता परीक्षा पेट 2021 के रजिस्ट्रेशन नंबर के जो है प्रमाणीकरण हेतु दो विकल्प उपलब्ध कराए जाएंगे। सबसे पहला तो होगा दोस्तों थ्रू पर्सनल डिटेल, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं सबसे पहला तो आपको यही देगा कि थ्रू पर्सनल डिटेल, ठीक है। आप यहाँ देख सकते हो दोस्तों एक तो आएगा आपको थ्रू पर्सनल डिटेल के हिसाब से आपको भरना, एक आएगा थ्रू OTP, ठीक है।
तो ओटीपी के माध्यम से करेंगे तो आपके मोबाइल और मेल पे मैसेज आएगा। थ्रू पर्सनल डिटेल से करेंगे दोस्तों तो आपको अपना रजिस्ट्रेशन नंबर डालना पड़ेगा, डेट ऑफ बर्थ डालना पड़ेगा और आपके फॉर्म जो है खुल के आ जाएगा। जब उसमें आप क्लिक कर देंगे यहाँ पे लिंक डालना पड़ेगा, जन्मतिथि डालनी पड़ेगी, किस डोमोसाइल किस प्रदेश से आप रहने वाले निवासी हैं और रजिस्ट्रेशन नंबर, ठीक है। ये आप फिल करेंगे दोस्तों तो आपका जो है फॉर्म खुल के आ जाएगा। आपका फॉर्म खुल के आने के बाद अब देखते हैं आवेदन की अगली प्रक्रिया क्या है, लॉगिन कर देंगे, ठीक है। आप सब कुछ भर के दोस्तों लॉगिन कर देंगे, ठीक। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं लिखा है कि यहाँ पे सीधे सीधे लिख रखा है, लॉगिन करने के उपरांत इस भाग में अभ्यर्थियों को प्रारंभिक अर्हता परीक्षा 2021 में दर्ज की गई अपनी व्यक्तिगत सूचनाएं, जैसे नाम हो गया, पिता का नाम हो गया, माता का नाम हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया, निवासी से संबंधित और आपकी जो है कि कैटेगरी हो गई, ठीक है, ये सब आपको भरा हुआ आएगा, ठीक है। वैवाहिक स्थिति, संपर्क हेतु मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी जो है प्रदर्शित हो जाएंगे, ये स्वयं जो है प्रदर्शित हो जाएंगे दोस्तों, आपको कुछ भरना नहीं पड़ेगा, ठीक है। दूसरा पैराग्राफ में लिखा है, इस भाग में जो है अभ्यर्थियों को विज्ञापन में प्रकाशित अनिवार्य अर्हता शैक्षिक में जो है संबंधित विवरण भरना होगा। अभ्यर्थी द्वारा जो है शैक्षिक योग्यता धारण करने के संबंध में यशनु विकल्प का चयन करने के उपरांत जो है बोर्ड संस्था विश्वविद्यालय का नाम, उत्तीर्ण करने का जो वर्ष, सर्टिफिकेट, रोल नंबर वगैरह वगैरह आपको जो भरना पड़ेगा दोस्तों, ठीक है। नाम, आपके पिता का नाम, ये सब तो आपका भरा हुआ आ जाएगा, मोबाइल नंबर नंबर, आपको बस शैक्षिक अर्हता के बारे में जो सब कुछ चीज़ें भरनी पड़ेगी दोस्तों, ठीक है। थर्ड स्टेप में है कि दोस्तों अभ्यर्थी सावधानीपूर्वक विज्ञापन में जो है प्रकाशित अनिवार्य अर्हता पढ़ लें तथा योग्यता धीरे मतलब जो है योग्यता धारित करने की स्थिति में ही आवेदन करें, ठीक है। ऐसा नहीं कि आपके पास वो शैक्षिक अर्हता ही ना ही हो, ठोके ठीक है, वो सर्टिफिकेट ही ना हो और फॉर्म भर रहे हैं, ठीक है, इनका कहने का मतलब यही है। फिर यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों, अभ्यर्थी को उपयुक्त जो है उपयुक्त सूचनाएं भरने के पश्चात रजिस्ट्रेशन पेज पर नीचे की ओर इंटर वेरिफिकेशन कोड में दिखाए गए वेरिफिकेशन कोड को प्रविष्ट करने के पश्चात सबमिट कर दें, ठीक है दोस्तों। वहाँ पे वेरिफिकेशन कोड आएगा, उस पर आप उसके बाद जो है कि उसे भरने के बाद आप जो है सबमिट कर सकते हैं। फिर उसके बाद आपको 11 अंकों का रजिस्ट्रेशन नंबर सहित अन्य विवरण प्रदर्शित हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। तो ये तो रही अब फोटो, अब यहाँ पे देख दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पे फोटो और सिग्नेचर है, ठीक है, यहाँ पे फोटो और सिग्नेचर है दोस्तों। तो यहाँ लिखा है, इस भाग में अभ्यर्थी द्वारा जो है कि प्रारंभिक अर्हता परीक्षा 2021 पेट का जो फोटो है वो स्वतः दोस्तों प्रदर्शित हो जाएगा, अभ्यर्थी द्वारा इसमें कोई संशोधित अथवा परिवर्तन नहीं किया जा सकेगा, मतलब आपको फोटो और सिग्नेचर नहीं भरना है दोस्तों। तो आप निश्चिंत रहें कि आप जो है फोटो और सिग्नेचर आपका पहले से जो भरा गया है पेट में वही प्रदर्शित हो जाएगा, तो आप अपने मोबाइल से भी अपना फॉर्म आराम से भर सकते हैं, ठीक है। अभ्यर्थी फोटो तथा हस्ताक्षर व्यू करने के उपरांत जो है कंटिन्यू बटन पे आप क्लिक कर देंगे दोस्तों, ठीक है, फिर अगला प्रेस चल जाएगा, मतलब ठीक है कंटिन्यू बटन पे क्लिक कर देंगे। उसके बाद लास्ट है दोस्तों कि अन्य ब्यूरो जो है इस भाग में अभ्यर्थी को अधिगामी अर्हता जो है यदि कोई हो तो संबंध में यस नो के विकल्प में चुनेगा। इस भाग में जो है अभ्यर्थी प्रारंभिक अर्हता परीक्षा में दर्ज किया गया जो है अस्थायी वो पत्रकार पता भी स्वतः प्रदर्शित होगा, ठीक है। इसके उपरांत मतलब यहाँ पे आपका जो है दोस्तों सीधे सीधे आपका जो है कि कंप्लीट होता है फॉर्म। उसके बाद यहाँ पे आप फीस के बारे में आ जाते हैं दोस्तों हम, ठीक है। फीस जो है ऑनलाइन मोड से होगा आपका दोस्तों, डेबिट कार्ड, डेबिट मतलब डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, इंटरनेट बैंकिंग कुछ भी चल सकता है, ठीक है। तो आप आराम से अपने एटीएम से अपना पेमेंट कर सकते हैं। अब सीधे सीधे ओटीपी आएगा, ओटीपी डालेंगे अब अपने बैंक का और उसके बाद जो है आपका फॉर्म जो है यहाँ पे फीस जो है सबमिट हो जाएगी। तो आइए दोस्तों आप फीस देख लेते हैं कितनी है, ठीक है। तो यहाँ पे फीस आप देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पे 25 रुपये फीस है मात्र, ठीक है। ऑनलाइन प्रक्रिया शुल्क, ठीक है, 25 रुपये है, ठीक है। शुल्क योग जो है आवेदन शुल्क और ऑनलाइन प्रक्रिया शुल्क टोटल 25, मतलब सभी कैटेगरी वालों के लिए 25-25 रुपये ही लगेंगे, चाहे वो जनरल हो, चाहे वो पिछड़ा वर्ग हो, ठीक है, या विकलांग हो, कोई भी हो, सबके लिए इन्होंने 25 रुपये लगाए हैं, ठीक। उसके बाद दोस्तों अब आएंगे सीधे सीधे हम जो है कि मैं अब वीडियो बड़ा हो रहा है दोस्तों, तो मैं सोच रहा हूँ कि मेन मेन चीज़ें मैंने बता दिया, अब आपको सीधे बताता हूँ शैक्षिक अर्हता के बारे में और एक बार एज के बारे में आपको बता देता हूँ। आवेदन पत्र में संशोधन की चीज़ें तो मैंने बता ही दिया था कि वहाँ पे लिखा है यहाँ पे अभ्यर्थी आवेदन शुल्क जमा करने के उपरांत ही अपने आवेदन पत्र में संशोधन कर सकते हैं, यानी दोस्तों आप संशोधन तभी कर सकते हैं जब आप फीस जमा कर देंगे, उसके पहले आप बिना फीस भरे जो है आप संशोधन नहीं कर सकते हैं दोस्तों, ठीक है। संशोधन आप क्या क्या कर सकते हैं दोस्तों, यहाँ पे सीधे सीधे दे रखा है पैराग्राफ में, लिखा है कि नाम में वर्तनी की गलती, पिता पति के नाम में वर्तनी की गलती, पत्र व्यवहार में, अन्य व्यक्तिगत विवरण, EWS, शैक्षिक अर्हता वगैरह वगैरह में कोई भी दिक्कत है, 36 आरक्षण की श्रेणी में, तो आप जो है
यहाँ पे दोस्तों अपना जो है संशोधन कर सकते हैं। जाति श्रेणी हो गया, लिंग हो गया, जेंडर हो गया, आवेदन में अनिवार्य अधिगामी अर्हता संबंधित दर्ज किया गया विवरण, कोई भी चीज़ हो, आप सब कुछ मतलब इसमें जो है कि दोस्तों आप जो है संशोधित कर सकते हैं, करेक्शन कर सकते हैं, ठीक है। अब उसके बाद दोस्तों यहाँ पे पदों की संख्या देख लेते हैं बाई कैटेगरी वाइज, ठीक है, किस कैटेगरी में कितनी संख्या कितनी वैकेंसी है, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पे लिख रखा है सीधे सीधे अनारक्षित यानी जनरल, जनरल वालों की यहाँ पे वैकेंसी है जो है 1079, ठीक है, 1079 वैकेंसी है दोस्तों। उसके बाद यहाँ पे अनुसूचित जाति यानी SC, ठीक है, SC की वैकेंसी यहाँ पे 565 है दोस्तों। उसके बाद अनुसूचित जनजाति यानी ST की वैकेंसी दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो है 53 है। यहाँ पे OBC की वैकेंसी यहाँ पे 727 है। EWS की वैकेंसी 269 है दोस्तों, ठीक है। टोटल पद है आपका 2693, ठीक दोस्तों, ये वैकेंसी हो गई। उसके बाद वैकेंसी के बाद दोस्तों यहाँ पे ये कुछ स्वतंत्रता संग्राम से रिलेटेड हैं, ठीक है। बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार उत्तर प्रदेश लखनऊ विभाग का नाम दे रखा है, पद का नाम दे रखा है, मुख्य सेविका दे रखा है, यहाँ पे स्वतंत्रता संग्राम सेनानी हो गया, और दिव्यांग के लिए जो है अलग से यहाँ पे पदों की संख्या दे रखी है, ठीक है। उसके बाद दोस्तों अब आते हैं हम सीधे सीधे जो है शैक्षिक अर्हता पे चलते हैं हम सीधे हम डायरेक्ट, क्योंकि वीडियो काफ़ी बड़ी हो रही है, इस वजह से जो है हम सोच रहे हैं। अब यहाँ पे दोस्तों आप देख सकते हैं कि अनिवार्य जो है शैक्षिक अर्हता है, ठीक है, अनिवार्य शैक्षिक अर्हता है। लिखा उपयुक्त सारणी 1 में उल्लिखित मुख्य सेविका के रिक्त पदों पर चयन के लिए जो अभ्यर्थियों को निम्नलिखित अनिवार्य अर्हता शैक्षिक व अन्य आवेदन की अंतिम तिथि तक जो है धारित करना अपरिहार्य है। अनिवार्य अर्हता शैक्षिक उत्तर प्रदेश बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार सेवा नियमावली जो है 1992 यथा संशोधित के अनुसार जो है अनिवार्य अर्हता निम्न प्रकार है, ठीक है। तो अब यहाँ पे देख लीजिए दोस्तों क्या है अनिवार्य अर्हता। लिखा अभ्यर्थी भारत में विधि द्वारा जो है स्थापित किसी विश्वविद्यालय से एक विषय के रूप में जो है समाजशास्त्र, समाज कार्य या गृह विज्ञान, ठीक है, या पोषण या आपका बाल विकास के साथ कला में स्नातक उपाधि या सरकार द्वारा उसके समकक्ष अन्य मान्यता जो है प्राप्त कोई जो है आपके पास होना चाहिए, ठीक है, उपाधि रखती हो, ठीक है। यानी ये सिर्फ वैकेंसी सिर्फ दोस्तों लड़कियों के लिए, ठीक है, लड़के अगर सोच रहे हो कि हमारे लिए तो ऐसा कुछ नहीं है, ठीक, यहाँ पे लड़कियों के लिए है ये वैकेंसी। तो आप यहाँ पे देख लीजिए दोस्तों, आपने हालांकि देख लिया तो समाजशास्त्र होना चाहिए आपका, नहीं है तो समाज कार्य कोई होना चाहिए, गृह विज्ञान हो आपका ग्रेजुएशन में, या पोषण हो, या बाल विकास के साथ जो है कला में स्नातक उपाधि, या सरकार द्वारा जो है उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई भी उपाधि रखती हो दोस्तों, ठीक है। तो उसके बाद दोस्तों कुछ अधिगामी अर्हता है, आप देख सकते हैं यहाँ पे ग्रामीण क्षेत्रों के बच्चे और महिलाओं कल्याण कार्य करने में व्यवहारिक अनुभव रखती हो कोई, या प्रादेशिक सेना में न्यूनतम 2 वर्ष की अवधि तक सेवा करी हो, या रेखा राष्ट्रीय कैडेट कोर बी प्रमाण पत्र आपका हो, तो आपको जो है कि काफ़ी इसमें बेनिफिट मिल जाएगा। अब यहीं पे दोस्तों वाई सीमा है, मतलब एज से रिलेटेड है, आयु सीमा आप देख सकते हैं यहाँ पे दोस्तों आपकी एज लिमिट क्या होगी, तो यहाँ पे दे रखा है 21 साल से आपका जो है कि 40 साल तक है दोस्तों, ठीक है, एज लिमिट। उसके बाद दोस्तों 21 साल से 40 साल है। उसके बाद अगर आप SC ST OBC हैं तो SC ST को 5 साल का छूट मिलेगा, OBC को जो है 3 साल का छूट मिलेगा, एज रिलैक्सेशन मिलेगा दोस्तों, ठीक है। और उसके बाद लिखा है चयन के आधार लिखित परीक्षा, अब लिखित परीक्षा के बारे में यहाँ पे देख लेते हैं दोस्तों। लिखा विज्ञापित पदों पर चयन अधिसूचना दिनांक 11 मई 2015 द्वारा प्रख्यापित उत्तर प्रदेश समूह के पदों के लिए सीधी भर्ती रीति एवं प्रक्रिया एवं नियमावली 2015 एवं जो है कार्मिक अनुभाग 2 उत्तर प्रदेश शासन की अधिसूचना संख्या आप देख सकते हैं यहाँ। उसके बाद लिखा है दिनांक 31 जो है 2017 द्वारा प्रख्याति उत्तर प्रदेश अवसर पदों पर जो है सीधी भर्ती साक्षात्कार का बंद किया जाना, नियमावली 2017 व उत्तर प्रदेश शासन को कार्मिक विभाग में जो संशोधन संख्या 11 वगैरह देख सकते हैं, दिनांक 11/20/11/2020 के अनुसार लिखित परीक्षा के आधार पर की जाएगी, ठीक है। मतलब ये एक्ट बना होगा उसके आधार पर परीक्षा होगी, सीधी सीधी बात है, ठीक है। हालांकि अभी आप फॉर्म भरिए, फॉर्म भरने के बाद 2-3 महीना बाद जो है पेपर इसका हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। अब यहाँ पे लिखा परीक्षा योजना एवं पाठ्यक्रम, मतलब सिलेबस के बारे में दे रखा है, ठीक है। तो यहाँ पे लिख रखा है कि सिलेबस के बारे में यथाशीघ्र जो है इस साइट पे
जो है कि सिलेबस भेज देंगे दोस्तों, ठीक है, सिलेबस मतलब अपलोड कर देंगे। जब सिलेबस अपलोड कर देंगे जिस समय, उस समय दोस्तों फिर से मैं एक वीडियो बनाऊंगा सिलेबस को लेके, तो आप लोग वीडियो से जरूर जुड़े रहिएगा दोस्तों, ठीक है, क्योंकि इससे रिलेटेड अब कोई भी इंफॉर्मेशन होगी तो मेरे चैनल के माध्यम से आप तक पहुँच जाएगी, ठीक है दोस्तों। तो अगर आप बिजी भी रहेंगे, सब्सक्राइब किए हैं, मुझे बेल आइकन प्रेस कर दिए हैं, तो नोटिफिकेशन आपके पास पहुँच जाएगा। अगर आपका ध्यान कहीं मतलब नहीं भी जा रहा है चीज़ों पर, तो अगर आप प्रेस करते हैं तो आपके मोबाइल पर नोटिफिकेशन आता है, इससे आप जान जाते हैं चीज़ों को, ठीक है। तो इसलिए जो है कि सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर देना, ताकि सिलेबस जब भी आए तो उस पर मैं वीडियो बनाऊं। एलिजिबिलिटी मतलब ये जब शॉर्ट लिस्टिंग रिजल्ट आए तब भी मैं उस पर वीडियो बनाऊं, तो आप तक पहुंच जाना चाहिए, ठीक है। तो दोस्तों ये रही पूरी बातें हो गई यहाँ पे, ठीक। अब यहाँ पे दोस्तों एक बार लिखित परीक्षा के संबंध में नोट देख लेते हैं विशेष, ठीक है। यहाँ पे विशेष नोट देख लेते हैं दोस्तों। लिखा है यदि विज्ञापित पदों पर जो है प्रत्युत्तर में प्राप्त आवेदन पत्रों की संख्या जो है अत्यधिक होती है, और आयोग के लिए जो विज्ञापन के सापेक्ष में प्रारंभिक अर्थात परीक्षा 2021 के स्कोर के आधार पर मुख्य परीक्षा है, तो शॉर्ट लिस्ट किए गए, ठीक है, शॉर्ट लिस्ट किए गए जो है अभ्यर्थियों की संख्या अधिक होने के कारण उनकी लिखित परीक्षा एक ही शिफ्ट या दिन में आयोजित की जाना सुविधाजनक नहीं होती होता है। तो अगर विद्यार्थियों की संख्या ज़्यादा होती है दोस्तों, तो अगर एक दिन में पेपर नहीं होगा तो ये अलग अलग दिनों में जो है कि इस पेपर को करा लिया जाएगा, यहाँ पे यही कह रहे हैं, ठीक है। तो दोस्तों हालांकि मैं सब कुछ आपको यहाँ पे बता दिया, तो इसी के साथ मैं वीडियो को समाप्त करता हूँ दोस्तों। अगर आपको कोई भी डाउट होगा तो जरूर मैसेज बॉक्स में मैसेज कर देना, ठीक है दोस्तों। ओके दोस्तों, जय हिंद दोस्तों, जय भारत। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।